Hey guys, welcome back to our new vlog. आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुकू का रूटीन चेकअप करवाने. एक्चुअल में कुकू को कुछ दिन से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है. जैसे मुझे दिखने में लग रहा है कि उसको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और वैसे भी उसका रूटीन चेकअप पेंडिंग था थोड़ा सा, कुछ दिन पहले ही था, हम थोड़ा लेट हो गए. तो उसको हर 2 महीने में एक बार चेकअप कराने लेके जाना पड़ता है हमें, क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा वीक है. तो हम रूटीन चेकअप करने उसको लेके चलते हैं. तो आज वही जा रहे हैं, SPS में दिखाते हैं उसको, मतलब अपोलो यहाँ पे लुधियाना में जो है वो वाले में दिखाते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं. और कुकू मेरे पीछे खड़ा है. और आज हम जा रहे हैं दूसरे गाड़ी से, क्योंकि दीपक लाइव में बिजी थे तो वो तो जा नहीं सकते, उनका छुट्टी भी नहीं करा सकते. तो मैं, हीना और मम्मी, ये रही मम्मी, ये रहा हीना, और हम सब जा रहे हैं उसको डॉक्टर दिखाने. उसके बाद थोड़ा सा मैं भी अपना डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी, थोड़ा सा मेरे को भी चेकअप करवाना है. उसके बाद हम घर को रिटर्न आएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं कि कुकू डॉक्टर के पास जाके करता क्या है, बहुत मस्ती करता, वो भी आपको शेयर करूंगी. तो चलिए हमारे साथ. बाय बाय. तो बस फाइनली हम निकल गए हॉस्पिटल से, गुक्कू को भी दिखा लिए. गुक्कू का एक रूटीन चेकअप था वो भी हो गया. जो कॉन्स्टिपेशन का था ना, उसके लिए मुझे बहुत सुनाए डॉक्टर ने, क्योंकि मैं उसको 2-3 दिन से ना, 2-3 रोज़ मैं उसको पेस्ट्री बहुत ज़्यादा खिला दी थी. तो वो बोले कि मैदा अवॉइड करना, बच्चे के लिए मैदा एकदम सेफ नहीं है. तो उस बेसिकली उसी की वजह से शायद उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है. तो मैं तो अभी अवॉइड करूँगी, और थोड़ा सा उसका कोई ग्लूकोज वाला कोई पानी दिया है जो उसको ओरल सोर्स में हेल्प करेगा. और पानी वो बहुत कम पीता है, पानी का भी मैं थोड़ा सा उसको कोशिश करूँगी ज़्यादा पिलाने का. बाकी कॉन्स्टिपेशन का तो और कुछ हल है नहीं. बोले ये चीज़ एक बार करके देखो, और एक बार एब्जोनडल कोई ऐसा वॉर्म्स का दवाई है वो एक दिया है, शायद वॉर्म्स भी है उसके पेट में, तो वो भी दवाई दूंगी. आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिसके भी छोटे बेबीज़ हो, जैसे भी हो, एक बार महीने, 2 महीना 3 महीना अंतर एक बार ना, प्लीज़ आप एक रूटीन चेकअप पे बेबी को लेके जाया करो डॉक्टर के पास. इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा, और लाइफ भी ईजी रहेगा, बच्चा भी कम्फर्टेबल रहेगा, कि उसको कोई प्रॉब्लम होने से पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं. मैंने भी थोड़ा सा लेट कर दिया, शायद कॉन्स्टिपेशन के लिए थोड़ा पहले ही आ जाना चाहिए था, उसका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था. तो लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जिसका छोटी बेबी हो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखो, और ये गर्मी के मौसम में थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा दिया करो, ताकि वो बच्चा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी डर रहता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया है पंजाब में, हमारे गर्मी काफ़ी है. तो गाइस, पैसे बनाने के बाद यानी कि प्रिंट करने के बाद फाइनली हम आ गए हैं घर पे, और घर पे यहाँ पे कुछ खराब हो गए थे आम हमारे पास पड़े हुए थे, जो कि फेंकने वाले हो गए थे. तो मैं कहा क्या फेंकना है, भाई को दे दिया था. तो खा लिया ना, मजे से ये खा ले, थोड़ा ही सड़ा हुआ, ज्यादा नहीं सड़ा, खा ले ये. सर सड़ा है, नीचे काम चल रहा है, यहाँ पे हम कुछ खाना बनाने जा रहे हैं. तो दूध भी आ गया है यहाँ पे, हम 3 लोग मिलके बनाएंगे और 3 लोग मिलके खाएंगे. प्रॉफिट हो चुके हैं छोटे अकाउंट में, जैसा कि आपने देख लिया था, मैं एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ. और राकेश को सबसे बड़ा प्रॉफिट आ चुका है, स्माइल देखो, प्रॉफिट के बाद स्माइल इसका ना अलग ही हो जाता है. मतलब तो ये 7,000 कुछ का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, तो 0-0 कमाल है, वरना इतना बड़ा प्रॉफिट होना नहीं था. तो काफ़ी शानदार हो गया है. चलिए करते हैं, खाना बनाते हैं, और राकेश ने खा लिया है. और भी अगर कुछ सड़ा होगा, मतलब खराब हो गया होगा, तो मैं देखूंगा. तो ये यहाँ पर प्याज कट हो रहा है. तो लास्ट कब खाना बनाया था? लास्ट आपके साथ जो पहला ब्लॉग आया था. नहीं सर, हम लोग बताते हैं, सर पहला ब्लॉग आया था. हम लोग पहले भाई भाई थे, और हम लोग ऑमलेट का दुकान चलाते थे. तो वही ये प्याज ये काटता था, मैं बनाता था. अभी पिछला जन्म को भूला नहीं, आ गया ये, पता नहीं कैसे करेक्ट काटे जा रहा, छपा छप. चलो तो यहाँ पे, अरे यार इसका क्या बनाना है, हाँ कढ़ाई जो थी वो गंदी हुई पड़ी थी, तो एक कढ़ाई को मांझते हुए, तो ये कढ़ाई हमने निकाला है अभी.
तो मतलब काफी एक्सपर्टीज आपको दिख रही होगी इसमें। तो कभी भी कोई कढ़ाई वगैरह मांझने की जरूरत हो तो कॉल करें। मतलब मैंने इसको छेड़ा तो ये मेरे को मेरी खिंचाई कर रहा है, मैंने खिंचाई की थी ना तो बदला ले रहा है। तो गाइस राकेश अभी घर जा चुका है और हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा गंदगी फैल गया होगा, देखना होगा। चावल बनाने जा रहा हूँ, चावल डाल लिया हूँ और राकेश जो है घर जा चुका है। तो हम लोगों ने भी प्लान किया है राकेश के साथ प्रैंक करने का। राकेश को इग्नोर करेंगे पूरे ब्लॉग में। यार राकेश पता नहीं कहाँ चला गया, देखा है उन्होंने राकेश को? घर चला गया ना, फोन आया था ना। चलो गाइस तो फाइनली राकेश घर जा चुका है और अभी हम लोग खाना खुना खा लेंगे। सो गाइस आपने देखा हम ट्रेड वगैरह कर लिए, उसके बाद घर पे आए। घर पे आके हमने खाना बनाया, वो वहाँ पे सो रहा है कोई। तो जस्ट हमने प्लान किया था कि राकेश को इग्नोर करेंगे, बट हुआ नहीं, रोने लग गया था तुरंत ही एक मिनट में। तो मैं कहा चलो फिर यार क्या इग्नोर करना। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।